हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम इस हफ्ते के बेस्ट कमेंट के लिए बुशरा अंसार जी का नाम घोषित करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शक इसी तरह हमारे कमेंट सेक्शन में बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट देते रहेंगे। नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरुद्दीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरुद्दीन बाजार। F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियां की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience Mall। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience Mall। आज हमारी जनता अंडमान निकोबार में स्वास्थ्य सेवा को लेकर बहुत परेशानियों का सामना कर रही है। कई बार पार्लियामेंट में भारत सरकार के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर के साथ मैंने बात किया है, तो वो देखते हुए मैंने एमपी लेट फंड से वहाँ पे उनके लिए शेड बनाया है ताकि वहाँ पे वो जाके वहाँ पे रेस्ट कर सके। अंडमान निकोबार में एक चीज़ का बहुत ज़रूरत है जो मैं हमेशा महसूस करता हूँ, वो ये है कि एयर एम्बुलेंस का। नमस्कार, मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे द्वीपों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने हाल ही में संसद में हमारे द्वीपों में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर अपनी बात रखी तथा अंडमान प्रशासन से भी इस बारे में बात की। हमारे द्वीपों में स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत पर सुधार के लिए श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने अफसोस जताया और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की नियुक्ति पर भी बात की। सांसद जी का कहना है कि अगर हमारे द्वीपों में हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो अंडमान के लोगों को इलाज के लिए मुख्य भूमि जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका पैसा और समय दोनों की बचत होगी। पीजी कोर्सेज भी अगर यहाँ पर शुरू हो जाए तो भारतीय ही नहीं बाहरी मुल्कों से भी विद्यार्थी पढ़ने आएंगे। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। धन्यवाद मैडम स्पीकर जी, आपने मुझे डिमांड फॉर ग्रांट्स हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में बोलने का मौका दिया। जब हेल्थ का बजट पेश हुआ, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 2.23 लाख करोड़ का बजट हेल्थ सेक्टर में दिया। मैडम मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए कोरोना ने हम लोगों को एक चीज़ सिखाया है, चाहे दुनिया कितना भी डेवलप हो जाए, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, मगर हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हेल्थ के बजट पे हमने खास ध्यान देना है और इसको बढ़ा कर करना है ताकि हेल्थ हमारा ठीक रहेगा तो दुनिया में सब कुछ ठीक रहेगा। मैडम समय कम है तो मैं सीधा अंडमान निकोबार के हेल्थ सेक्टर में बात करना चाहूँगा। मैडम देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सदन से अंडमान निकोबार के जितने भी जो कोरोना में काम करने वाले हेल्थ सेक्टर के लोग, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम लोग सबका जान को बचाया, हम लोग का सेवा किया। साथ ही मैडम, अंडमान निकोबार का जो हेल्थ सेक्टर में थोड़ा चिंता का विषय है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं टेक्निकली हमको समझना है, सोचना है, क्योंकि अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 साल में एक बार होता है वो देखें तो फीमेल सेक्स रेशियो जो है 2015-16 में 977 था, जो अब 19-20 में 963 हो गया। सरकार एक विशेष ध्यान दे रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर में, मगर अंडमान में ये चीज़ मैडम इतना अच्छा नहीं हो रहा है। मैं आपसे के द्वारा हमारे ये मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर खास ध्यान दिया जाए। साथ ही जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम के, जो अंडरवेट है 21.6 से बढ़कर आज 23.7 हो गया। मैडम इस तरीके का कुछ इश्यूज़ है, जैसे हाइपरटेंशन में महिलाओं का 25.3% है और पुरुष का 30.2% हो गया। इस सब चीज़ को देख मैडम, तो बस एक मौका दीजिएगा प्लीज़।
तो ये जो चीज़ है, ये सारा पैरामीटर को देखते हुए मेरा ये रिक्वेस्ट ही है कि अंडमान निकोबार में कुछ स्टेप सरकार को खास तौर पर लेना है। पहला स्टेप ये है कि अंडमान दूरदराज एरिया, मैंने बार बार इस पार्लियामेंट में कहा, तो हमको हेल्थ सेक्टर में अपने आप को सक्षम करना है। उसके लिए जिस तरीके का प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में हर जगह को एक एम्स दिया गया, मैं ये सदन से मांग करता हूँ कि अंडमान निकोबार में भी एक एम्स का स्थापना हो, ताकि अंडमान निकोबार का, मैडम बस एक मिनट मैडम, प्लीज़ एक एम्स खोला जाए। दूसरा, वहाँ एक अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्कीम वहाँ पे लागू किया था, अनिशी स्कीम, जिसमें जो गरीब लोग हैं जिनका इनकम 3 लाख से कम है और जो पेंशनर्स है, उनको जो कोई बड़ा बीमारी होता था तो उनको अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन 5 लाख रुपए दे के चेन्नई कलकत्ता भेजा जाता था उनको इलाज के लिए। मैडम मैडम एक एक मैडम बार बार प्लीज़, ये एक बहुत अहम चीज़ है अंडमान निकोबार जनता के लिए, एक बस एक मिनट आप दीजिएगा प्लीज़। तो ये जो अभी फिलहाल जब से आयुष्मान भारत स्कीम आया है तो ये स्कीम बंद कर दिया गया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे हर्षवर्धन जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये स्कीम को दोबारा चालू करें, क्योंकि आयुष्मान भारत के अंदर में सिर्फ जो बीपीएल के लोग हैं 2011 का सेंसस में उनको ही मिलता है, बाकी लोग को नहीं मिलता, आमतौर पर लोग गरीब है। तो ये दोबारा चालू किया जाए। साथ ही बहुत सारा मैडम हो एक मिनट में आप एक मिनट मैडम प्लीज़ एक मिनट बस, बहुत सारा वैकेंट पोस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस का वहाँ पे पोस्ट खाली है, आया वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्वीपर, ड्राइवर वगैरह पोस्ट को भरा जाए और हर स्कूल में एक नर्स का अपॉइंटमेंट किया जाए। दूसरा, जो अल्ट्रासाउंड मशीन हर पीएससी में दिया जाए, हर सीएससी के अंदर में डायलिसिस मशीन हो मैडम, जीबी पंत जो मेन हॉस्पिटल है उसमें कैथ लैब और ट्रॉमा सेंटर हो मैडम। दूसरा, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी जो पीएससी सीएससी है वहाँ पे फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन थिएटर हो, ताकि वहाँ के गरीब लोगों का इलाज हो पाए मैडम। दूसरा, एक एयर एम्बुलेंस का बहुत जरूरत है मैडम, हो गया बस मैडम मैडम 20 सेकंड मैडम, वहाँ पे एक एयर एम्बुलेंस का बहुत जरूरत है। दूर दराज एरिया में जब कोई सीरियस होता है तो एक हेलीकॉप्टर हो, एयर एम्बुलेंस जो उनको ला सके मैडम। और तीसरा, जो वहाँ पे आशा वर्कर है उनको रेगुलर। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी हाल ही में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी संसद में बहुत सारी मांगों को लेकर बात किए थे। उन्हीं में से एक खास जो मांग थी वो थी हमारे स्वास्थ्य को लेकर, हमारे हेल्थ सेक्टर को लेकर भी अंडमान निकोबार में कुलदीप राय शर्मा जी ने बहुत सारी बातें कही है, हमसे भी साझा करने की सोची है। उसी विषय में आज हम आए हैं उनके दफ्तर और चलिए हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि अंडमान निकोबार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमारे एमपी साहब को क्या क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, अगर हम बात करें अंडमान निकोबार का हेल्थ सेक्टर के बारे में, तो बहुत सारा काम है जो हमको हेल्थ सेक्टर में करना है। नो डाउट पिछले कुछ सालों में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट अंडमान निकोबार के अंदर में हुआ, हेल्थ सेक्टर के अंदर में, बट अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हेल्थ सेक्टर को देखिए, हमको अलग अलग सेक्शंस में जाके इसको देखना पड़ेगा कि बेसिक इश्यूज क्या है। अगर हम इश्यूज की बात करें तो बहुत सारा इश्यूज अंडमान निकोबार में हेल्थ सेक्टर में है। प्राइमरी कंसर्न जो है, हम सबको पता है कि अंडमान निकोबार दूर दराज एरिया है और यहाँ में कोई भी मेजर हेल्थ इश्यूज के ऊपर में आइलैंडर को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसको अंडमान से बाहर जाना पड़ता है, चाहे चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि, विशाखापट्टनम जैसे जो भी जहाँ के लोग रहने वाले वहाँ पे जाते हैं वो ट्रीटमेंट करने के लिए। जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो हमारे पास में है, बट बेसिक फैसिलिटीज़ को छोड़ के जो हम लोगों का मेजर जो है, हार्ट है, लंग्स है, न्यूरो सिस्टम है, ब्रेन है, किडनी का, खुशी की बात है कि किडनी का डायलिसिस अंडमान में स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा जो एक ही बड़ा हॉस्पिटल है वो है जीबी पंत हॉस्पिटल, जो हमारा रेफरल हॉस्पिटल है पूरे अंडमान निकोबार के अंदर में, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे पास में है जो मायाबंदर में एक है। हमारे पास में सीएससीज हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जो काफ़ी जगह पे हैं, और करीब करीब 21 पीएचसीज अंडमान निकोबार के अंदर में है। बेसिक जो फैसिलिटीज़ हमको कहाँ से मेकअप करना है, वो पीएचसी से हमको बेसिक फैसिलिटीज़ मेडिकल का हमको प्रोवाइड करना है, देन सीएचसी, देन डिस्ट्रिक्ट एंड देन प्रदेश जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके ऊपर में। अगर आमतौर पर देखा जाए तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर भी कभी कभी देखने को ये मिलता है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे शुगर टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे मशीन हो गया, थायराइड टेस्ट हो गया, ये सब भी कभी कभी देखने को मिलता है कि वहाँ पे नहीं होता है, या केमिकल नहीं होता, केमिकल होता है तो वहाँ पे टेक्नीशियन नहीं होता,
या कहीं पे एक्सरे मशीन्स नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिक जो पीएससी लेवल्स में हमको ये देखना है कि अंडमान निकोबार का जो हम लोगों को पता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट को देखते हुए जो बेसिक जो बीमारी है उसका क्या क्या नीड है, और वो हिसाब से हमको अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर को उसको अपडेट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो उससे एक स्टेप जो बड़ा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वो काफ़ी जगह पे है, उसको और थोड़ा मॉडर्नाइज करके उस पर काम करना है। उसके ऊपर में हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और सबसे बड़ा जी बी पंत हॉस्पिटल जो है, जो रेफरल हॉस्पिटल है अंडमान निकोबार का एकमात्र हॉस्पिटल है, इसको हमको पूरा का पूरा वेल इक्विप करना है। अब जब हम वेल इक्विप का बात करें तो उसमें बेसिक बात यह है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत अच्छा होना चाहिए। आज हमारे पास में जो जो बीमारी का इलाज हमारे पास में नहीं है, जैसे मैंने कहा हार्ट का, कार्डिक जो है उसका नहीं है, लीवर का नहीं है, न्यूरो सिस्टम का नहीं है, ब्रेन का नहीं है, हमारे पास में ट्रॉमा सेंटर हमारे पास में नहीं है, तो ये सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमको यहाँ पे तैयार करना होगा, एक बात ये है। दूसरा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में होगा तो हम लोग के पास में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का हमको ज़रूरत होगा। आज देखने को ये मिलता है कि हमारे पास में कोई मेजर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे पास में नहीं है। तो मैंने कई बार पार्लियामेंट में भारत सरकार के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर के साथ मैंने बात किया है कि जब तक अंडमान निकोबार के अंदर में हेल्थ के ऊपर में जब तक प्रॉपर हमारा फैसिलिटीज़ नहीं होता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, तब तक का दिल्ली से हमें जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है या मौलाना आज़ाद जो हॉस्पिटल है, इस तरह जो बड़ा बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, उस हॉस्पिटल से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अंडमान में डेपुटेशन में भेजे, ताकि अंडमान में जो अंडमान के जो गरीब जनता है, आमतौर पे 70-80% लोग अंडमान के गरीब हैं, उनके पास में इतना पैसा नहीं है, उनका मालिया इतना अच्छा नहीं है कि वो मेलिन जाके अपना अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट करा सके, कि उनको एक ही बात गवर्नमेंट के स्कीम्स पर वो डिपेंड करते हैं और उसी के जरिए अपना लाइफ को बचाते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो अंडमान निकोबार में हमारे जो डॉक्टर्स अगर आएंगे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम लोग तैयार अगर कर देंगे तो अंडमान का जनता के लिए बहुत ही एक सहूलियत होगा। क्योंकि देखिए, जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह इसी बात को लेकर मैंने पार्लियामेंट में डिमांड रखा था लास्ट बजट के अंदर में, 50 डिमांड मैंने रखा, उसमें से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने का डिमांड एक पॉइंट उसके अंदर में था, और मैंने 25,000 करोड़ रुपीज़ डिमांड किया है कि वन टाइम 25,000 रुपीज़ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाए, जिससे कि हम लोग आने वाले समय में अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके और हम हमारे पास में हर क्षेत्र में, आज मैं स्पेसिफिकली हेल्थ सेक्टर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, हर क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर में हमारे पास में हम सक्षम हो जाएंगे, तब हमें अपने लोगों को यहाँ से चेन्नई या कोलकाता भेजने की ज़रूरत नहीं होगा, हमारे लोग यहीं पे अपना ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आज देखने को क्या मिलता है कि आज जो पहले हमारे पास में एक स्कीम हुआ करता था अनिशी स्कीम, जिसमें 5 लाख रुपया मिलता था कोई भी अंडमान निकोबार का जो पेशेंट होता था, और साथ में उसको जाने का टिकट, आने का टिकट मिलता था फ्लाइट का। अब वो स्कीम हट के आयुष्मान भारत स्कीम हो गया। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर में भी सरकार के द्वारा 5 लाख रुपया दिया जाता है। अब जो हमारे गरीब लोग हैं, आज अगर उनको कुछ मेजर कुछ इश्यू होता है तो वो ये 5 लाख जो आयुष्मान भारत का स्कीम है, इस स्कीम के तहत वो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, देखिए ये हमको डेवलप करना है और इसके एक परमानेंट सोल्यूशन हमको निकालना है। इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप डेपुटेशन में दिल्ली से डॉक्टर्स को बुलाएंगे तो ये कुछ साल तक चल सकता है। तो जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली साइड बाई साइड हम रेडी करेंगे, और सबसे खुशी का ये बात है कि आज अंडमान निकोबार के अंदर में मेडिकल कॉलेज हो गया, और आज अंडमान निकोबार के करीब करीब 80 बच्चे 80 बच्चे के आसपास हर साल डॉक्टर्स बन के निकलते हैं। और ये जो 80 बच्चे हैं ये आइलैंड के बच्चे हैं मैक्सिमम, और ये बच्चे कैमल बे से डिगलीपुर तक का हर क्षेत्र के बच्चे नीट क्वालिफाई करके अपना आप को ये अंडमान के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें वो एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन लेने के बाद में वो यहाँ पढ़ते हैं। तो अभी हमारा मेडिकल कॉलेज में अब बच्चे डॉक्टर बन के पास आउट होकर निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अगर
हम यहाँ पे पीजी कोर्स अगर स्टार्ट कर दें, सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स अगर अंडमान निकोबार का जो मेडिकल कॉलेज है इस पर अगर हम स्टार्ट कर दें तो हमारे आइलैंड्स के बच्चों को इसमें सीट मिलेगा। और जितना मेरा जानकारी है सरकार के रूल के हिसाब से 50% ऑफ द सीट, जो भी सीट गवर्नमेंट यहाँ पे अलाउड करेगा पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए, तो उसमें 50% सीट जो है वो अंडमान के बच्चे जो डॉक्टर्स बन के निकले हैं उनको मिलेगा। तो जब हमारा अंडमान का जो बच्चे MBBS करके पास आउट हुए हैं उनको 50% सीट मिलेगा, तो ये बच्चा डिगलीपुर का बच्चा होगा, मायाबंदर का बच्चा होगा, रंगत का बच्चा होगा, कैमलबे का बच्चा होगा, निकोबार का बच्चा होगा, ननकौरी का बच्चा होगा, शहीद द्वीप का बच्चा होगा, स्वराज द्वीप का बच्चा होगा, पोर्टब्लेयर का बच्चा होगा, साउथ अंडमान का बच्चा होगा। तो जब ये बच्चे पीजी पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जब बनेंगे तो ये खुशी खुशी अपने गांव में अपने घर अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, डिगलीपुर वापस जाएंगे, वो ननकौरी वापस जाएंगे, कैमलबे वापस जाएंगे और वहाँ जाके फिर वो अपने लोगों का सेवा करेंगे। तो ये जो बेस्ट एक सोल्यूशन ये है, यही इसका एक सोल्यूशन है। अभी जो इशू ये है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन बार बार प्रयास करता है यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लाने के लिए, बट मेलियन में जो डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर में जो रहता है और वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, तो अंडमान वो इतना दूर दराज एरिया अपना फैमिली को छोड़ के आना कुछ लिए कोई पसंद नहीं करता और इसीलिए कोई डॉक्टर्स यहाँ पे आते नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को अब ये प्रयास करना चाहिए। मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर साहब से और पार्लियामेंट में भी मैंने बार बार इस चीज़ को रेज किया है कि अब वो समय आ गया कि अंडमान निकोबार के अंदर में एक अपना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज हो जिससे अंडमान के बच्चे उसमें पढ़ के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने और वो अपने अपने एरियाज़ में जाके अंडमान निकोबार का जनता का वो सेवा कर सके। बिकॉज ये एक जो परमानेंट सोल्यूशन है अंडमान निकोबार का लोगों का सेवा करने का रास्ता ये है। दूसरा, आज बहुत सारे पोस्ट डॉक्टर्स का, नर्स का, आया का, वार्ड बॉय का, ड्राइवर का और अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे कैटेगरीज है, फार्मेसिस्ट का है, सारा पोस्ट गवर्नमेंट का आज वैकेंट पड़ा है। मैं ये भी डिमांड किया कि इन सारे पोस्टों को जल्द से जल्द जो अंडमान के बच्चे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, फार्मेसिस्ट हैं, आया है, जो भी है उनको उनके द्वारा सारा का सारा पोस्ट को जल्दी भरा जाए ताकि हमारे जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है वो जल्द पूरा हो जाए और हमारी जनता को इसका परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कोरोना के समय में हमारे पास कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं था, हमारे पास में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं था, फिर भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा अंडमान निकोबार के जो डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को, इस क्राइसिस के समय में भी वो बेचारे किसी भी तरह से इसको मैनेज किए और एडमिनिस्ट्रेशन ने बाद में हर चीज़ का गवर्नमेंट से बात करके सुविधा यहाँ प्रोवाइड किया। तो ऐसे समय में एट द टाइम ऑफ क्राइसिस अंडमान निकोबार हम लोग बिल्कुल हेल्पलेस है। हमको जब तक मेलिन से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इतना दूर दराज एरिया है, 5 लाख लोग हैं, तो आज ये ज़रूरत, इट्स नीड ऑफ द आवर कि अंडमान निकोबार जहाँ तक हेल्थ सेक्टर है इसमें वो सेल्फ सफिशिएंट हो, हर तरह का बुनियादी जो सुविधा है, बेसिक सुविधा से लेके सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा तक, इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हर चीज़ में हम सक्षम हो, स्टाफ में, डॉक्टर्स में, दवाई में, इक्विपमेंट्स में, ताकि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस हम अपने लोग को हम बचा पाएँ। साथ ही साथ मेरा ये भी मानना है, देखिए अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करें तो अंडमान निकोबार की जनता के लिए, 5 लाख जनता के लिए तो वी कैन डू वंडर्स इन हेल्थ सेक्टर, साथ ही साथ वी कैन क्रिएट ए वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। और जो हमारे साउथ ईस्ट कंट्री है, जो वो कंट्री के लोग भी अंडमान निकोबार आके ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं, जिससे अंडमान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रेवेन्यू वो जनरेट कर सकते हैं और वो रेवेन्यू जनरेट होगा, वही रेवेन्यू से हम लोग अंडमान निकोबार का जो हेल्थ सिस्टम है उसको हम चला सकते हैं। साथ ही देखिए एक बहुत अच्छा हम लोग के पास में एक चीज़ है, वो है नेचर हमारा बहुत अच्छा है, यहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन फ्री जोन है। तो यहाँ पे आयुर्वेद मेडिसिन को हम बहुत बड़े स्केल में प्रमोट कर सकते हैं, जिस तरह हम देखते हैं केरला वगैरह में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा स्केल में आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट्स है वो चलता है। तो हमको कोशिश ये करना चाहिए कि आने वाले समय में ये सारे नए चीज़ भी
जो जितने नए मेडिकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट हैं हर बेसिकली होम्योपैथिक आयुर्वेदिक नो डाउट अंडमान में आ चुका है, बट मेरा ये कहना है कि ये बड़े स्केल में और सुपर स्पेशलिस्ट स्केल में इसको अगर हम करें तो वो भी अंडमान निकोबार को एक टूरिज्म हेल्थ के तौर पे भी हम उसको प्रमोट कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जहाँ तक एक और एस्पेक्ट है, जब हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर का तो सीधा सीधा ये कंसर्न है पेशेंट के साथ में, और पेशेंट के साथ अगर हम बात करें तो एक जो फैक्टर साथ जो जुड़ता है वो जुड़ता है आपका अटेंडर का। और हम लोग को देखने को ये मिला है कि जो इंटरनेशनल के लोग हैं बेचारे गरीब लोग हैं, वो वहाँ से जब यहाँ से दिल्ली पूर से मायाबंदर से या कैमल बे कार निकोबार वगैरह से आते हैं तो उनके पास में इतना पैसा नहीं होता कि वो बेचारे यहाँ पे आके उनका आने का खर्चा, जब एक पेशेंट आता है तो साथ में एक अटेंडर आता है और दोनों जब आते हैं तो यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट करने के लिए 10-15 दिन लगता है, तो वो कहीं बाहर लॉज में या होटल में या अपने रिश्तेदार के घर में रहते हैं, तो वहाँ से हॉस्पिटल आना जाना बस में ऑटो में बहुत खर्चा होता है, या लॉज में रहते हैं तो उसका खर्चा होता है, या 3 टाइम उनको खाना की ज़रूरत होता है तो उसका खर्चा होता है। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से यह डिमांड किया है जो जीबी पंत हॉस्पिटल है उसके पीछे की तरफ जो खाली स्पेस है उस स्पेस के अंदर में एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस बनाया जाए, जिस कम से कम मिनिमम कुछ भी नहीं तो 100 कैपेसिटी का गेस्ट हाउस बनाया जाए, जिसमें 50 लेडीज़ का और 50 जेंट्स का, जो हमारे इंटरनेशनल के जो पेशेंट्स आते हैं गरीब लोग आते हैं तो उनका वहाँ में एक मिनिमम फीस 20-50 रुपया इस तरह का एक दिन का एक फ़ीस रख के उनको वहीं पे रहने का बंदोबस्त किया जाए, ताकि अगर जो उनको वहाँ पे अटेंडर अपना पेशेंट्स का पास रहेगा तो पेशेंट के लिए भी एक सहूलियत होगा और अटेंडर को भी बाहर होटल में लॉज में रहने का खर्चा नहीं होगा, उनको वहाँ से बस में ऑटो में सुबह शाम आने का खर्चा नहीं होगा, तो गरीब आदमी का उसमें काफ़ी सेविंग हो जाएगा। दूसरा बात, तीसरा मैंने और चीज़ नोट किया था कि जो इंटरनेशनल के जो पेशेंट्स के अटेंडर आते हैं वो बेचारे वही बाहर वार्ड का बाहर में वो कोई चादर डाल के चटाई डाल के तो वहाँ पे बेचारे सोते हैं, वहाँ पे जानवर कभी कभी डॉग्स है कैट्स है वो बगल में घूमते हैं, मच्छर काटता है गंदगी रहता है, तो वो देखते हुए मैंने एम्पीलेट फंड से वहाँ पे उनके लिए एक शेड बनाया है ताकि वहाँ पे वो जाके वहाँ पे रेस्ट कर सके। उनके लिए मैंने एक टॉयलेट भी जीबी पंत हॉस्पिटल में बनाया है एम्पीलेट फंड से, ताकि वो वहाँ पे टॉयलेट वगैरह यूज़ करके उनको कोई परेशानी नहीं हो। तो इस तरीके का जो बेसिक चीज़ है हम लोग को अपने जनता के लिए, जो जिस पे ज़्यादा पैसा कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा पैसे में जनता का आराम होगा, पेशेंट को आराम होगा, उनके अटेंडर को आराम होगा। साथ ही और एक बात जो मेरा दिल में बहुत ही पिंच करता है, मुझे चोट लगता है इस बात को लेकर, मैं कोशिश करूँगा एम्पीलेट फंड से मैं वो काम करने का, बट उसमें भी थोड़ा मेरे को एक जो अड़चन ये है कि देखने को ये मिलता है कि जो पेशेंट्स आते हैं दूर दराज गाँव से स्पेशली साउथ अंडमान से, वो बेचारे सवेरे आते हैं, बूढ़े लोग हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। जब इंसान हॉस्पिटल क्यों जाता है, आदमी इंसान हॉस्पिटल तब जाता है जब वो बीमार रहता है, उसका फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं रहता, वो ठीक से चल नहीं पाता, तो जो बस स्टैंड है वो हॉस्पिटल से काफ़ी दूर है, तो बस स्टैंड से उतर के लोगों को बेचारों को कम से कम एक 300-400 मीटर उनको पैदल चल के जाना पड़ता है, तो पेशेंट्स एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये सोच है, मैंने डिमांड भी की एडमिनिस्ट्रेशन से और मैं अपने तरफ से भी आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि हम लोग जब देखते हैं, जब मेलिंग जब जाते हैं तो एयरपोर्ट में वहाँ पे बैटरी जो छोटा छोटा कार होता है जिसमें 6-8 लोग बैठ के जा सकते हैं वहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि 4-5-6 इस तरीके का बैटरी ऑपरेटेड कार वहाँ पे रखा जाए बस स्टैंड में, ताकि जो भी पेशेंट जो स्पेशली बूढ़े लोग जो प्रेग्नेंट हमारी माँ बहन है वो अगर उतरते हैं वहाँ पे, या और कोई पेशेंट जो बीमार है जो बैटरी वाला ऑपरेटिव छोटा सा कार है 8-सीटर कार, वो उनको लेके सीधा जो ओपीडी है जीबी पंत हॉस्पिटल का वहाँ पे ड्रॉप कर दें, वहाँ जो पेशेंट ऑलरेडी अपना ट्रीटमेंट करा के वेट करते होंगे उनको उठा के दोबारा बस स्टैंड में ड्रॉप कर दें। तो एम्पीलेट फंड मैं तो पैसा देना चाहता हूँ इस 6 बैटरी ऑपरेट कार को चलाने के लिए, बट जो मेरा जो प्रॉब्लम ये है कि उसको चलाने के लिए मुझे ड्राइवर की ज़रूरत है, तो मैंने DHS मैडम से रिक्वेस्ट भी किया है कि आप अगर आप मेरे को 6 ड्राइवर का बंदोबस्त कर दें
तो मैं अब एमपीलैड फंड से ये 6 बैटरी ऑपरेटेड कार दूंगा, जिससे हमारे जो जनता है उसको इसका बहुत सहूलियत होगा। आप देखेंगे तो आज हमारे जो हॉस्पिटल का एम्बुलेंस है उनका कंडीशन बहुत ख़राब है। सिर्फ एक एम्बुलेंस के तौर पे आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ एक स्ट्रेचर वहाँ इसके अंदर है। हमको चाहिए कि एक मॉडर्न एम्बुलेंस हर पीएससी के अंदर में हो, जिसमें नर्स बैठने की सुविधा हो, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर हो, जिसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ का रिक्वायरमेंट है पेशेंट को अपने घर से हॉस्पिटल तक लाने के लिए, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स का जो भी ज़रूरत है वो सारा का सारा उसमें हो सके। मॉडर्न जो आजकल देखने को मिलता है, आप अपोलो हॉस्पिटल्स कोई भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएँ तो उनके जो एम्बुलेंस है बहुत मॉडर्न वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है। तो हमारा दूर दराज का एरिया है, अंडमान निकोबार दूर दराज है और पोर्ट ब्लेयर कैपिटल से डिगलीपुर से लेकर कैमल भी और दूर दराज एरिया है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा जितने भी जो CACs है PSC है उसके पास में अच्छा मॉडर्न एम्बुलेंस हो ताकि पेशेंट को तकलीफ नहीं हो। साथ ही साथ अंडमान निकोबार में एक चीज़ का बहुत ज़रूरत है जो मैं हमेशा महसूस करता हूँ, वो ये है कि एक एयर एम्बुलेंस का। अभी देखने को ये मिलता है कोई सीरियस पेशेंट होता है तो उसको हेलीकॉप्टर में लेके आते हैं, हेलीकॉप्टर में लाते हैं तो जो जनरल जो पैसेंजर है उनको आने का मौका नहीं मिलता, और जो पेशेंट सीरियस पेशेंट आता है उसको भी बहुत तकलीफ होता है हेलीकॉप्टर में बैठ के आने के लिए। तो अगर हमारे पास में एक एयर एम्बुलेंस होगा तो जो भी हमारे सीरियस पेशेंट्स हैं इंटर आइलैंड में, जो कोई सीरियस होता है, कुछ एक्सीडेंट्स होता है, तो उनको हम थ्रू एयर एम्बुलेंस हम लोग जीवनपुर हॉस्पिटल ला सकते हैं और वो पेशेंट के जान को बचा सकते हैं। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे चीज़ हैं, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, छोटे छोटे चीज़ है, इसके ऊपर भी हमको गौर करना है, विचार करना है और उसके बाद में इसके ऊपर काम करना है। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे चीज़ है अगर हम उस पर थोड़ा अगर गौर करें तो हमारी जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे द्वीपों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी। जिस तरह आपने अभी उनकी विस्तार से सारी बातें सुनी, एक एक करके उन्होंने हमारी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जो जो समस्याएं थी उन सबको बहुत अच्छे से उन्होंने बताया और उनके आगे भविष्य में हमारे द्वीपों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या क्या प्लान्स है उन बारे में उन्होंने बताया और कहाँ कहाँ पर उन्होंने कैसी मांगें रखी है उन सब के बारे में बताया। जैसे हमारे प्रशासन से उन्होंने किन किन चीज़ों पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आवाज़ें उठाई है, डिमांड्स की है, उन सब के बारे में आपने सुना। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए क्योंकि आज हमारी जनता अंडमान निकोबार में स्वास्थ्य सेवा को लेकर बहुत परेशानियों का सामना कर रही है। इन्हीं सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने प्रशासन से लेकर संसद तक इस पर आवाज़ उठाई है। हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी परेशानियों का जल्द से जल्द कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा जिससे द्वीपवासियों को फ़ायदा भी होगा। हम साथ में धन्यवाद देते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुलदीप राय शर्मा जी को जिन्होंने हमारी जनता की तकलीफ़ों को समझा और एक एक कर उन्होंने सारी पॉइंट्स को प्रशासन के सामने रखा और संसद में भी इन बातों को उठाया। कैमरा पर्सन शाहरुख के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7, नमस्कार। तो जैसा आपने देखा व सुना किस तरह हमारे द्वीपों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने पूरे विस्तार से स्वास्थ्य सेवाओं पर सबके सामने अपनी बातें रखी। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी मांगें जल्द पूरी हों ताकि द्वीपवासियों को आराम मिले और हमारे द्वीप विकास की राह में आगे बढ़े। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनिता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।